नमस्कार, नाम है विपुल पटेल और आज आपको मैं एसलीपीएस वेलनेस में आईडी को लॉगिन कैसे करना है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सामने जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए जिससे ऐसे और भी वीडियो आपके पास मिलते रहेंगे। ताकि हम लोग शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमको गूगल क्रोम में जाना है और जो भी आपका ब्राउजर रहेगा उसमें जाना है और आपको वहाँ पर AWP लॉगिन लिखना है। जैसे ही आप वहाँ पर AWP लॉगिन लिखते हो तो यहाँ पर आपका ये यूज़र लॉगिन का आपका पास ऑप्शन आता है। ये जो यूज़र लॉगिन आएगा यहाँ पे आपको ऐसा इस तरह से क्लिक करना है और इसी तरह से क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके पास पूरा फॉर्म दिख जाएगा और यहाँ पे आपको ये तीन जो डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना है और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सर रजिस्टर नाउ, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे और इस तरह से आपके पास एक इंटरफेस आ जाएगा। तो हमको इस तरह से नीचे जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है, तो जहाँ पे नेक्स्ट लिखा है वहाँ पे हमको जाना है और जाने के बाद उसके बाद अपने को क्लिक करना है इस तरह से। और जब आप इसी तरह से क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको इस तरह से पूरा फॉर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये फॉर्म भरना पड़ता है, तो फॉर्म भरने में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाया गया टाइटल, तो आपको यहाँ पे टाइटल पर क्लिक करना है, मिस्टर तो मिस्टर करना है, लेडीज़ हो तो MS कर सकते हो, MRS कर सकते हो। अभी मेरे पास मिस्टर है तो यहाँ पर मैं टाइटल सिलेक्ट कर लिया और जैसे मैंने टाइटल अभी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया उसके बाद क्या करना है, फिर यहाँ पे आपको नाम दिखाया गया है तो यहाँ पे आपको सिंपली जो भी आपके आधार कार्ड रहेगा ना उसमें जैसा भी नाम रहेगा वैसे का वैसा आपको यहाँ पे उसमें लिखना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे नाम है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जैसे कि ये मेरे पास जो आधार कार्ड आया हुआ है वो आधार कार्ड में इस तरह से नाम है, आधार कार्ड में पूरा नाम रहेगा तो यहाँ पे आपको पूरा नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, तो फादर्स नेम उनका जो भी रहेगा वो आपको डालना है। जैसे कि मेरे पास उनका फादर का नाम है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे उनका फादर का यहाँ पर नाम है तो मैंने यहाँ पर फादर का नाम डाल दिया सर। फिर यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंट्स मेल जो भी रहेगा। फिर यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है वो आपको वहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा सर। यहाँ पे जैसे कि मैं जो लॉगिन मार रहा हूँ उसका जो उनका डेट ऑफ बर्थ है वो मैं यहाँ मारूँगा। जैसे कि उनका यहाँ पे हो गया 24, यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे उनका कौन सा महीना है, जैसे कि मेरे पास जो बंदा है उसका यहाँ पे अप्रैल महीना है और उनका साल कौन सा है। देखो अभी यहाँ पे मैंने उनका ये डेट ऑफ बर्थ मैंने अपडेट कर लिया है, यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पूरा भरना है और उसके बाद उनका प्रोफेशन क्या करते हैं अगर ये नहीं करोगे चल जाएगा। फिर सिंगल मैरिड सिलेक्ट कर सकते हो और फिर यहाँ पे आएगा उनका मोबाइल नंबर, तो उनका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा वो यहाँ पे आपको डालना है। जैसे कि मैं अभी उनका मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो भी आपको बंदे का आप आईडी लॉगिन मार रहे हो उसका आपको मोबाइल नंबर डालना कंपलसरी है। उसके बाद उसका यहाँ पे ईमेल आईडी अगर रहेगा तो डाल सकते हो, नहीं रहेगा तो भी चलेगा, बाद में अपडेट करवा सकते हो, लेकिन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं डालूँगा। फिर यहाँ पे उनका नॉमिनेशन का नाम, तो यहाँ पर मैं उनका नॉमिनेशन का नाम डाल रहा हूँ। यहाँ पे उनका मैंने नॉमिनेशन नाम डाल दिया। फिर यहाँ पे नॉमिनेशन जो भी रहता है उनका यहाँ पे आपको क्या उनके रिलेशन में लगते हैं, तो यहाँ पे जो उनका रिलेशन रहेगा जैसे मेरे पिताजी, तो मेरे पिताजी कर दिएगा। फिर यहाँ पे उनका जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगा वो आपको डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है और उसके बाद फिर यहाँ पर एक बार वापस आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर टाइटल सिलेक्ट करना है, यहाँ पर उनका जो नाम रहेगा वो लिखना है, उसके बाद यहाँ पर उसका पिताजी का नाम लिखना है, फिर यहाँ पर कौन सी
जेंडर क्या है वो लिखना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फिर प्रोफेशन लिखना है, रहेगा तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, सिंगल मिले स्टेटस रहेगा तो रखना है, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर आपको लिखना है सर, क्योंकि उनके पास OTP जाएगा और पासवर्ड जाएगा। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालना है, दूसरा नंबर तो यहाँ पे डाल सकते हो, यहाँ पे नॉमिनी और नॉमिनेशन का कौन सा रिलेशन क्या है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इस तरह से यहाँ पे आपको डाल देना है, और फिर आपको यहाँ पे करना है नेक्स्ट। ये नेक्स्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पे उनका जो एड्रेस रहेगा वो एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरे पास है तो उनका मैं एड्रेस लिख देता हूँ, जैसे उनका हो गया एड्रेस, ध्यान में रखिए आपको ये एड्रेस रहेगा, जो भी उनका एड्रेस रहेगा आपको ये प्रॉपरली एड्रेस उनको भरना है सर। फिर यहाँ पे उनका स्टेट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उनका कौन सा डिस्ट्रिक्ट वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, लैंडमार्क लिख लेना है, फिर उनका जो पिन कोड रहेगा वो पिन कोड लिख लेना है, फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट लिख रहा है यहाँ पर आपको ऐसे इस तरह से क्लिक करना है, और जैसे आप नेक्स्ट क्लिक करोगे तो इस तरह से यहाँ पर कुछ एंटर पर जा जाएगा। अभी सामने वाला जो बंदा है बराबर ना, तो उनका यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, कौन सा डॉक्यूमेंट उनका है, ध्यान में रहे कि सामने वाला क्या डॉक्यूमेंट है। जैसे कि मैं अभी आधार कार्ड से लॉगिन मारता हूँ, आधार कार्ड, बाकी यहाँ पे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड से आप यहाँ पे आईडी बना सकते हो। अभी मेरे पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड सिलेक्ट करूँगा, फिर यहाँ पे उनका नंबर लगता है आधार कार्ड नंबर, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी नंबर डाल रहा हूँ, अभी यहाँ पे मैंने उनका आधार कार्ड नंबर डाल लिया है। फिर यहाँ पे आपको इस तरह से क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको देख रहा हो, ध्यान में रहे अगर किसी का आईडी लग चुका है यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे तो उसका आईडी नहीं लगेगा, और जिसका नहीं लगा होगा तो ही लग पाएगा। फिर यहाँ पर उनका फ़ोटो हमको चॉइस करना है, तो मेरा उनके पास फ़ोटो जैसे गैलरी में है, देखो फ़ोटो उनका आपको इस तरह से क्रॉप पूरा करना है ना, अगर आप फ़ोटो क्रॉप नहीं करोगे ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो आपको इस तरह से फ़ोटो क्रॉप करना है बराबर प्रॉपर तरीके से, और यहाँ पे आगे वाला फ़ोटो आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमको वापस सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे आपको पीछे वाला फ़ोटो लेना है सर। देखो सर ये आ गया आगे वाला फ़ोटो, ये आ गया पीछे वाला फ़ोटो, यहाँ पे उनका आधार कार्ड का नंबर जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमको करना है नेक्स्ट, और इस तरह से जब आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो यहाँ पे उनका बैंक डिटेल भरना है, तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं भर रहा हूँ, बाद में कर सकते हो, अगर आपका पास रहेगा तो भर देने का। फिर यहाँ पे नहीं है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके मानूंगा मेरे पास नहीं है। फिर यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा तो डालना, नहीं रहेगा तो नहीं डालना, मेरे पास नहीं है मैं बाद में कर लूँगा, तो यहाँ पे क्लिक करूँगा ये इस तरह से ओके मान लूँगा। फिर यहाँ पे आपको स्पॉन्सर आईडी मांगेगा, तो स्पॉन्सर आईडी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, किसके नीचे डालना है। देखिए सर आपके पास सामने वाले का स्पॉन्सर आईडी होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ पे हम अभी हम स्पॉन्सर आईडी डाल रहे हैं, जैसे कि डी, और जैसे यहाँ पे आप स्पॉन्सर आईडी डालते हो तो इस तरह से यहाँ पे आपको बाजू में इसे क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, पहले ध्यान में देख लेना है कि उनका नाम सही है कि नहीं है, नाम सही है, हाँ सही है, तो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है उनके एसओ साइट में डालना है कि एसजीओ साइट में डालना है। ध्यान में रहे उसके एसओ साइट में अगर आपने आईडी लगाया है तो फिर एसओ साइट नहीं करना है, एसजीओ साइट करना है, नहीं तो क्या होगा उनका तीसरा लेग खुल जाता है, तो ध्यान में रखना है कि उनका कौन सी साइट खाली है। अभी उनके नीचे कोई भी नहीं है तो मैं यहाँ पे एसओ साइट खोलूँगा, दूसरी बार आईडी लगाऊँ तो एसजीओ साइड में कर लूँगा। तो यहाँ पे आपको दोनों साइड सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको इस तरह से नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करोगे तो इस तरह से आपको यहाँ पे ऊपर जाना है, जैसे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे टर्म और कंडीशन है, तो यहाँ पे आपको एक्सेप्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से सबमिट करना है, और इस तरह से आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको OTP आएगा, फिर आपको यहाँ पे करना है सबमिट OTP कर देना है, और जब आप यहाँ पे सबमिट OTP करोगे यहाँ पे सामने वाले का बंदे का आईडी लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो सर, और इस तरह से आ जाता है सर।
अब जैसे कि मैंने उसका आईडी मार दिया तो मेरे पास भी उसका आईडी नंबर और पासवर्ड आएगा, तो आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपके पास भी रहेगा, बाकी जो मोबाइल नंबर उसमें तो चला जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ओके कर देना। तो सिंपल से इस तरह से आईडी लॉगिन हो जाता है सर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप SLPS में हैं जिनको आईडी लॉगिन मारना नहीं आता है, ये वीडियो आप उनको भेज सकते हो जिससे उनको आईडी लॉगिन करने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ में। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय AWPL।